मतलब यहां से हाँ देखो, आई विल जस्ट डिस्कस इट आउट एंड उसके बाद अगर कुछ बात रह जाती है तो आप जरूर से मुझे पूछना। जैसे देखो, अभी अभी आपने एक बात पढ़ी, मैंने आपसे ये कहा कि अगर कभी भी ए इनवर्स का हमारे को डिटरमिनेंट निकालने को कहा गया है, ठीक है, कभी भी अगर हमारे को ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालने को कहा गया है, तो मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से अगर हम देखें, इसकी वैल्यू देखें, तो एडजॉइंट जो मेरे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाता है, ए की पावर एन माइनस वन, जैसे यहाँ पे ये थ्री है, ये टू बाई टू है, ये टू बाई टू है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा दिस। अच्छा, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली वन होनी चाहिए, इट माइट बी यू आर करेक्ट, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास कितना देगा, दिस वुड गिव मी ए की पावर वन, दिस वुड गिव मी वॉट, ए की पावर वन। और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ही है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली वन आ जा रही है, राइट, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली वन आ जा रही है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होगा। एक बार ज़रा कंफर्म कर लेते हैं, राइट, इफ यू हैव द एनसीईआरटी बुक यू कैन चेक। ओके, यहाँ पे अभी अभी हमारे बीच में एक ये कंफ्यूजन ये आई कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें हम में से किसी को भी कोई डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, राइट। प्रॉब्लम तो हमें सिर्फ इस बात को समझने में है कि ए इनवर्स किसी भी ऑर्डर के लिए, चाहे ऑर्डर कुछ भी है, इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं किसी भी इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये वाली बात जो है। अच्छा, यहाँ पे एक ये पॉइंट आपका ये आया कि सर अगर हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अगर देख लेते हैं, राइट, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए देख लेते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स है, राइट, और हमने अभी भी पढ़ा है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, ए इनवर्स की हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने ये बात कह दी कि चलो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं, है ना, हमने ये बात क्या कह दी कि दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं, बट मुझे लगता है क्योंकि डिटरमिनेंट एक वैल्यू डिफाइन करती है और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पे दोनों तरफ डिटरमिनेंट का लेना शायद कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम ये जो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहे हैं ये वाली बात गलत हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, आओ इस बात को समझते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, एक बात तो यहाँ पे हमने ये वाली बात तो समझ ही ली, कोई टेंशन नहीं है, राइट, दैट इज ऑलवेज देयर, कि हम ऐसे डिटरमिनेंट दोनों तरफ नहीं ले सकते, ये कोई फंक्शन थोड़ी ना है, डिटरमिनेंट इज नॉट अ फंक्शन, ओके, कि हम दो टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, वी कैन नॉट डू दैट, ओके, ऐसा नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि हो सकता है अरेंजमेंट वाइज वो सेम हो बट वैल्यू वाइज डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो चलो इस बात को समझते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। एक बात तो पक्की है कि एक रिजल्ट तुम्हारे पास ये है और इसको हमें ऑलरेडी समझ चुके हैं, दूसरा रिजल्ट हम ये समझना चाहते हैं कि जो हमारे पास ए इनवर्स का डिटरमिनेंट है आखिर ये वन अपॉन ए के डिटरमिनेंट के बराबर कैसे है, हम इस बात को समझना चाहते हैं, तो चलो इस बात को समझते हैं। हमें इतनी बात तो पक्की है कि ए इंटू ए इनवर्स करूंगा मैं या फिर ए इनवर्स इंटू ए करूंगा तो मुझे हमेशा आई मिलेगा, ये बात तो पक्की है ना, बस पक्की है, ठीक है, और हमने ये वाली बात भी पढ़ रखी है, पहली बात तो ये हमने प्रॉपर्टी में देखी थी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू वाई होगा, तभी बी ए का ए इनवर्स होगा, एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, तो ये वाली बात तो पक्की है। दूसरी बात जो हमने पीछे पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? कि अगर मेरे पास दो मेट्रिसेस हैं ए और बी, ठीक है, दो मेट्रिसेस हैं ए और बी और मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और उनका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो डिटरमिनेंट्स हैं, राइट, ये दो डिटरमिनेंट्स हैं तो हम इसके बारे में तो कुछ कह सकते हैं, आओ जरा देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाले में अगर मैं कहता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है बच्चों, मैं क्या कहता हूँ इस फर्स्ट वाले में, मैं कहता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, राइट, सो वी अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ आई, वी अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज वॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज ऑलवेज वन,
एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स. ये तो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कई बार. तो अपने को क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए. ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी पड़ेंगी. प्रॉपर्टी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के बहुत फेयर चांसेस बनते हैं एंड आई होप यू विल रिमेंबर देम. ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स में ऐसे नहीं कर सकते कि टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ द साइड्स. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते. हम यहाँ पे इस बात को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ए इंटू ए इनवर्स आई होता है. और अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बोलता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये अगर हम लेते हैं, बाय डिटरमिनेंट ऑफ आई हमेशा 1 होता है. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ गया? ऑलवेज, चाहे वो ऑर्डर कुछ भी है, चाहे ऑर्डर 2 है, 3 है, कुछ भी है, इट इज ऑलवेज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. ठीक है, ओके. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन वेयर वी वॉन्ट टू स्टडी कि ऐसे जो केस स्टडी क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में आ रहे हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से, उसको हम कैसे डील करेंगे. द कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ अनियन, 3 केजी ऑफ वीट एंड 2 केजी ऑफ राइस इज ₹60. ओके, 2 केजी ऑफ अनियन, 4 केजी ऑफ वीट इज दिस, दिस इज ₹90. ओके, एंड दिस इज ₹70. ठीक है, फैंटास्टिक. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी. इसमें अगर ये अगर आप देखें बुक्स में, सैम्पल पेपर्स में, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, और 4 ऑप्शन दे देंगे. तो बहुत ईजी है, कोई टेंशन ही लेनी, है ना. और जैसे अनियन की प्राइस मान लो ₹X पर केजी है, तो ये 4X हो गया. वीट की प्राइस आप ₹Y मान लो, तो ये 3Y हो गया, है ना. और राइस मान लो Z है, तो ये तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ Z हो गया. और ये टोटल किसके बराबर है? ₹60 के बराबर है. ये तुम्हारी पहली क्वेश्चन बन के तैयार हो गई. ठीक है, सिमिलरली 2 केजी ऑफ अनियन, तो ये हमारे पास 2X हो गया. 4 केजी ऑफ वीट, दैट गिव्स यू 4Y, एंड 6 केजी ऑफ राइस, सो 6 टाइम्स ऑफ Z, that is equal to ₹90. ठीक है, ओके. एंड फाइनली द थर्ड वन, 6 केजी ऑफ अनियन, ओके, एंड 2 केजी ऑफ वीट, 2 केजी ऑफ वीट, ट्वाइस ऑफ 5, एंड 3 केजी ऑफ राइस, सो ट्वाइस ऑफ 7, दैट इज इक्वल टू 70. ठीक है, हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ अनियन, यानी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है. तो केस स्टडी के फॉर्म में जो पहला क्वेश्चन आता है ना, उसमें सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि बताओ कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा कॉम्बिनेशन इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. तो सबसे पहले तुम्हें समझ जाना चाहिए कि क्या होता है. तो देखो, तुम्हारे पास ना एक मैट्रिक्स होता है ए, जो कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, 4 2 6 3 4 2 2 6 3. दूसरा मैट्रिक्स होता है एक्स, जो कि वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होता है, एक्स वाई जेड. ठीक है, और तीसरा आपके पास होता है बी, जो कि आपके पास साइड साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको, उनका कॉलम मैट्रिक्स है. ठीक है, तो होता क्या है कि आप जब ए को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली बी आ जाएगा ना, राइट. रोज और कॉलम एग्जैक्टली ऐसे हो जाएंगे. और एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है? एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी से निकलती है. सब्जेक्टिव में हम लोग कुछ इस तरीके से यूज करते थे. तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लब करके जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट प्लस नॉलेज, वो ऐसे हो जाना चाहिए. अब ठीक है, मैट्रिक्स को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए तो मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है. यू कैन सॉल्व इट यूजिंग लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स. ठीक है, यू कैन सॉल्व दैट, आई नो दैट. बट तुम्हें इस तरीके के ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जहां बोलेंगे कि बताओ कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है. तो तुम क्या बोलोगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी रिप्रेजेंट कर रही, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रिप्रेजेंट कर रही, है ना. इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे और देखेंगे. ओके, जहां तक अभी एग्जाम की बात है एमसीक्यू पेपर में, तो इसको तो स्ट्रेट अवे सॉल्व कर लेना, है ना, कैंसिल करके. किसी भी दो वेरिएबल को कैंसिल कर लीजिए. जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, तो मैं इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूं, तो मेरा जेड गायब हो जाएगा, है ना. और सिमिलरली अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3 माइनस 2 करूं, तो फिर से जेड गैप हो जाएगा. तो मेरे पास एक्स और वाई के दो इक्वेशन आ जाएंगे, आई विल सॉल्व इट. ठीक है, और फिर मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा किसी एक इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ जेड, एंड हेंस इट विल बी डन इजीली. आई होप यू गेट इट. लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. जल्दी से बताओ मुझे.